जय मसीह के दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। मैं एक पासवान हूं और परमेश्वर की सेविकाई के लिए मुझे विभिन्न देशों में जाना पड़ता है, विभिन्न शहरों में जाता हूं मैं, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार बांटूं। लेकिन जब मैं इन हालातों को देखता हूं जो आजकल हो रहे हैं, जो मैं टेलीविजन पर देखता हूं, जो मैं न्यूज़पेपर पर पढ़ता हूं, फेसबुक में देखता हूं, व्हाट्सएप में न्यूज़ पढ़ता हूं, और लोग मुझे बताते हैं और लोग सवाल पूछते हैं कि पासवान, जो नफरत का माहौल इस समय है, जो द्वेष का माहौल इस समय है, जो स्वार्थ का माहौल है, क्या ये खत्म होगा? क्या हमारा जीवन भविष्य में सुख पाएगा? क्या हमारे बच्चे शांति देखेंगे? बाइबल कहती है हाँ, क्योंकि एक बाइबल ही है जो हमें सच बताती है। एक बाइबल ही एक ऐसा आईना है जो हमें बताता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। वो हमारा पिता परमेश्वर दयालु है। वो हमारा पिता परमेश्वर, जो उसकी योजनाएं हैं वो अद्भुत हैं, अद्भुत है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया और उसको धरती पर भेजा ताकि हम सुख पाए और आशीष पाए। इसलिए पौलुस हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसलिए हमारे स्वर्गीय मन्ना का आज का जो विषय है, जो आज का वचन है, वो मैंने फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय और उसका नवा वचन लिया है। मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं कि मेरी प्रार्थना यही है कि तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता जाए। पौलुस प्रार्थना करता है, और दोस्तों मेरी भी प्रार्थना आपके लिए यही है कि आपका प्रेम जो परमेश्वर के लिए है, आपका प्रेम जो यीशु मसीह के लिए है, आपका प्रेम उसमें ज्ञान हो, उसमें समझ हो, और वो निरंतर बढ़े। क्योंकि अगर हमारा प्रेम ज्ञान रहित है, अगर हमारे प्रेम में ज्ञान नहीं है, तो शैतान कभी भी हमें धोखा दे सकता है, कभी भी झूठ बोल सकता है, और हम कभी भी बहक सकते हैं। हम भी डर सकते हैं कि क्या होगा, इस माहौल का क्या होगा, क्या होगा समाज का, क्या होगा संसार का, हमारे बच्चों का क्या होगा, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कोई सुख भोगेंगे? भोगेंगे, क्योंकि हमारे पास आशा है, और वो आशा है जीवित आशा है। हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर महान है और हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। अगर वचनों के द्वारा मैं आपसे बात करूं तो प्रकाशित वाक्य उसका 21वां वचन और 4वां वचन क्या कहता है कि और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, फिर ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक, ना विलाप, और ना कोई पीड़ा रहेगी। सुनो दोस्तों, परमेश्वर वो दिन आने वाला है, वो न्याय का दिन आने वाला है, जब परमेश्वर हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, हमारी पीड़ाओं को हर लेगा वो। हालेलुया। और कोई भी पीड़ा हमारे साथ नहीं रहेगी, कोई भी शोक हमारे साथ नहीं रहेगा, कोई भी विलाप करता हुआ नहीं देखेगा। हालेलुया। क्योंकि वो वक्त आने वाला है। यशाया नबी ने एक वचन कहा है, उसकी किताब है यशाया नबी 35:5-6, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए कि तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी तथा बहरों के कान भी खोले जाएंगे। हालेलुया। 6वां वचन क्या कहता है कि लंगड़ा उस समय हिरन के समान चौकड़िया भरेगा तथा गूंगा अपनी जीभ से जय जयकार करेगा, क्योंकि जंगल में जल के सोते तथा अरावा में जल धाराएं फूट निकलेंगी। हालेलुया। आप दोस्तों, अगर आज का माहौल देख के डर रहे हैं, अगर आज का माहौल देखकर आपके मन में घबराहट पैदा हो रही है, तो मैं आपको आशा की किरण देता हूं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी बाइबल बताती है वो दिन आने वाला है जब हमारे लिए सुख होगा, वो दिन आने वाला है जब हमारे लिए जीवन होगा, वो दिन आने वाला है जब स्वर्ग जमीन पर आएगा, वो दिन आने वाला है जब हम राज्य करेंगे सिंहासन पर बैठकर, वो दिन आने वाला है जब हम यीशु मसीह के साथ होंगे, वो दिन आने वाला है जब शैतान नहीं होगा और हम होंगे परमेश्वर के दूत बनकर, परमेश्वर के चुने हुए बंदे बनकर हम यहां पर होंगे, सिंहासन पर बैठे होंगे, और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए हम मंगलमय गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। सुख और आशीष, शांति हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। तो दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इस घबराहट को देखकर, इस माहौल को देखकर हमें छुपने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें लगातार निरंतर प्रार्थना में रहना है और विश्वास के संग आनंद को उठाना है। हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आने वाला वक्त हमारा है और यीशु हमारे साथ है और वो वक्त लेकर आएगा। इसलिए विश्वास के संग और आशा के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमें खड़े होना है और हियाव बांधना है, ताकि हमारा डर, ताकि शैतान हमारे जीवन में काम न कर सके और परमेश्वर की उपस्थिति का आशीष हम हर पल भोगें।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मेरे सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष, सुख और चंगाई मांगता हूं परमेश्वर। हमारी बुद्धि खोल, इनकी बुद्धि खोल, इनका जो प्रेम है तेरे लिए उसमें ज्ञान आए, उसमें समझ आए और वृद्धि हो, ताकि ये इनका प्रेम बढ़ता जाए हमारा प्रेम, ताकि हम तेरा आशीष अपने जीवन में महसूस करें, तेरी शांति अपने जीवन में महसूस करें। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने सुनिए और कबूल किए। आमीन।